चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। पीएमओ ही नहीं सुनते एमपी के अफसर, रिमाइंडर भेजने के बाद 47,000 शिकायतें पेंडिंग हैं। सीएम हेल्पलाइन की भी यही स्थिति बनी हुई है, पीएमओ की ही नहीं सुनते एमपी के अफसर, समस्या निपटाना तो दूर लॉगिन तक अधिकारी नहीं करते हैं। 9 फरवरी को योजना संचालक द्वारा 82 लापरवाह अफसरों की लिस्ट जारी करने का भी असर नहीं हुआ। पीएमओ की ही नहीं सुनते एमपी के अफसर, रिमाइंडर भेजने के बाद 47,000 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन की भी यही स्थिति है। चलिए इसी पर और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ अब लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जी। वैभव जी, पीएमओ की ही एमपी के अफसर नहीं सुनते हैं, रिमाइंडर भेजने के बाद भी 47,000 शिकायतें पेंडिंग पर है, क्या अधिक जानकारी है? नजर आता है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितने परवाह उनकी करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हिदायतें दी जाती हैं अधिकारियों को कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। ये वो समस्याएं हैं ऋतु जिनका निराकरण राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, तब इन समस्याओं को पीएमओ में रजिस्टर्ड कराया गया। तो पीएमओ में रजिस्टर 47,000 समस्याओं का अधिकारी अब तक निदान नहीं कर पाए हैं। सीएम हेल्पलाइन की भी यही स्थिति है, सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया कि आखिरकार क्यों सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं ऋतु उनको विभागवार अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अधिकारी लॉगिन तक नहीं करते हैं। अधिकारी ये तक देखना ठीक नहीं समझते हैं कि समस्या का आखिरकार कारण क्या है और समस्या का निदान किस तरीके से करना है। तो कह सकते हैं कि अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं, जो दूरदर्शिता है, जो सुशासन की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पीएमओ से तक इस बात की जानकारी आ रही है कि जब मुख्यमंत्री जब सीएम हेल्पलाइन पर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उन समस्याओं को पीएमओ में रजिस्टर्ड किया गया, उसको पीएमओ दफ्तर से वापस उन समस्याओं को मध्य प्रदेश सरकार के पास भेजा गया कि आप इन समस्याओं का निराकरण करके फीडबैक रिपोर्ट हमें भेजिए। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी इतने भी संजीदा नहीं है कि पीएमओ से जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी निराकरण करते। तो सीएम हेल्पलाइन की भी यही एक तरह से कह सकते हैं कि हालत हो गई है कि प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन में समस्याओं को रजिस्टर्ड कराती है, लेकिन वो समस्याएं केवल रजिस्टर्ड होकर रह जाती है, उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है। सबसे पहले स्वास्थ्य संचालक द्वारा जो सीएम हेल्पलाइन का पूरा कार्य देखते हैं उनके द्वारा 82 ऐसे अधिकारियों की सूची जारी की गई थी जो अधिकारी समस्याओं के निराकरण को लेकर बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं बता रहे थे, लगातार लापरवाही से काम करते। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद, चूंकि मीडिया में ये खबर आ चुकी है, लगातार सीएम हेल्पलाइन को लेकर मीडिया में खबरें आती रही हैं कि अधिकारी बिल्कुल संजीदा नहीं है प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को के निराकरण करने को लेकर। तो अब सीएम और दफ्तर क्या इस घटना पर संज्ञान लेता है, क्योंकि जब इस तरह की खबरें पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो छवि खराब होती है मध्य प्रदेश सरकार की होती है। जब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों को निराकरण नहीं हो रहा है, पीएमओ से जो शिकायतें मध्य प्रदेश भेजी जा रही हैं तो उनका निराकरण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता की परेशानी बढ़ रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या एक्शन लेते हैं देखने वाली बात हुई। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम सुशासन लेके आएंगे और मध्य प्रदेश की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो जो भी समस्याएं बताएंगे उनका निराकरण तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। लेकिन तत्काल प्रभाव तो छोड़ ही रहते हैं कि पीएमओ दफ्तर से जो समस्या आ रही है उनका निराकरण तक मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल बाबा जी, बने रहिएगा आपके पास, फिर लौटेंगे। पीएमओ की ही नहीं सुनते एमपी के अफसर, रिमाइंडर भेजने के बाद भी 47,000 के बड़ा आंकड़ा है, शिकायतें पेंडिंग है। सीएम हेल्पलाइन की भी देखी जाए तो यही स्थिति है, समस्या निपटाना तो दूर अधिकारी इतना ही जरूरी नहीं समझते कि लोगों की समस्याएं देखी जाए कि आखिर कारण क्या है, लोगों को समस्याएं क्या है। अब आगे ये समय ही बताएगा कि लोगों की समस्याओं का निराकरण कब होगा।